तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटन कीमा। तो बड़ा उम्दा क्वालिटी का मटन हम ले आए हैं मार्केट से। तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे पीसीज में, बिल्कुल स्मॉल पीसीज में। तो उसके बाद हम प्याज तब तक अपने में फ्राई करेंगे। पहले प्याज भी ले लेंगे। प्याज हम इसके साथ ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली कोई 250-300 ग्राम। इनकी कटिंग कर दी है, उसको अच्छे से धोएंगे अब। तो प्याज हमने अप्रॉक्सीमेटली 250-300 ग्राम ले लिए, इसको फाइन चॉप करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने प्याज देखें काट ली है हमने। तो सबसे पहले हम 2 सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, उसको गर्म करेंगे। उसके बाद प्याज अपने अच्छे से हम फ्राई करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल हमने ऐड कर दिया। करेंगे इसको अच्छे से गरम। तो उसके बाद हम थोड़े खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तेल गरम हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें मोटी इलायची ऐड कर देंगे, और 5 पीस हमने ऐड किए, और 3 सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए। तो प्याज को हम ब्राउन, जब तक ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे तब तक हम इसको बीच में आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्टेयर करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। तो वेट करते हैं जब तक हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसमें अपना मटन ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने प्याज के साथ अपनी कोरमे की पेस्ट इसमें ऐड कर दी है, ताकि उसका भी एक अच्छा सा कलर इसके बीच में आ जाए। तो जो मसाले हमारे, तो ये देखें मैंने मसाले सारे इसमें ऐड कर दिए। तो थोड़ा मिक्सअप हो गया मसालों का, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून रहेगी, लाल मिर्च पाउडर जो हमारा वो 1/2 टेबल स्पून रहेगा, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून रहेगा, और मीट मसाला 1/2 टेबल स्पून रहेगा। नमक हमारा जो है वो हम एज़ पर टेस्ट ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इसको उठा के साइड पे रख देते हैं और वेट करते हैं प्याज के अच्छी तरह से फ्राई होने का। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें मटन ऐड करेंगे। मटन हमने धो के रख दिया, तो आपके साथ मैं मटन भी शेयर करता हूँ। तो ये देखें मैंने बड़े मटन को अच्छे से धो दिया 2 से 3 बार। तो जब तक जब हमारे प्याज हो जाएंगे अच्छे से ब्राउन, उसके बाद हम सबसे पहले मटन इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं प्याज हमारे तैयार हो गए। तो सबसे पहले हम अपना मटन जो है मटन इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे हम, और अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक तेल हमारा मटन जो छोड़ नहीं देते, और मटन अच्छे से हमारा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाता। फ्रेंड्स, मटन हमने ऐड कर दिया, उसी के साथ हमने 1.5 टेबल स्पून नमक इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसको हमारे 5 से 10 मिनट तक लगेंगे हमारे इस मटन को। बीच बीच में हम इसको स्टर करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और नीचे लगे ना हमारा ये। ये देखें फ्रेंड्स, अभी हम भुनाई कर रहे हैं अपने मीट की अच्छी तरह से। तो इसमें अभी 3 से 4 मिनट और लगेंगे, उसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे जो मैंने मसाले आपको बताए थे। फ्रेंड्स, ये देखें हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, और उसके साथ हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर दी है। तो मिक्स करते हैं इसको अच्छे से। गोश्त हमारा जो है मीट, वो हमारा अच्छे से भुन गया अब। तो करते हैं इसको मिक्स, उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया मसाला मिक्स करने के बाद। तो इसमें थोड़ा सा हम ल्यूक वार्म वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसको विसल पे नहीं तैयार करना है, हमने इसको रॉड पे तैयार करना है। और साथ ही में इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे, यानी कि विनेगर। उससे हमारा थोड़ा सा इसका टैंगी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो आप इसमें सिरके की जगह ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चाट मसाला इसमें यूज़ ना करें, ताकि उससे, क्योंकि उससे हमारा जो टेस्ट है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारा कीमा बन के तैयार हो गया, कितना अच्छा इसके ऊपर टेक्स्चर आ गया। और ये साइड से इसका रोगन भी आप चेक करें। तो बड़ा ईजी मेथड है इसको बनाने का, आप भी ट्राई करें इसको बनाने की जो नॉन वेज लवर्स हैं। तो होपफुली वेज लवर्स के लिए कल या परसों हम एक बड़ी अच्छी सी कोई डिश लेके आएंगे। होप आपको वीडियो लाइक करे। 2000 years later। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है, ये देखें। तो आप भी ट्राई करें बनाने की, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, होप आपको अच्छा लगे। तो वेज भी मैं आपके साथ एक नई डिश शेयर करूंगा जो मेरे वेज फ्रेंड्स इसमें मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।